जाति आधारित गंदा जब तक नहीं होगा पूरे देश में, तब तक असल बीमारी देश की जो है वो पता नहीं लग पाएगी। वो लोग तो आरक्षण विरोधी लोग तो चाहते ही नहीं, लोग पक्षधर ही नहीं है कि भाई हो। आप लोग जान रहे हैं कि 94 लाख परिवार जो है गरीब है, असल में काम उनके लिए ही करना है जिसको कोई नौकरी नहीं है, आय 6000 से कम है मानसिक आय, उन लोगों के लिए जो है अलग से योजना हम लोग सब लोग बनाएंगे। और मुजफ्फरपुर क्योंकि बड़ा जिला है, यहाँ 11 विधानसभा क्षेत्र है, तो आज 5 विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता होंगे बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के, ब्लॉक स्तर के, सभी लोगों से आज हम लोगों का संवाद होगा। और कल 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ था, काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा, सब पॉजिटिव सकारात्मक संवाद हम लोगों का रहा उनसे। और आने वाले समय में हम सब लोग अपने विचारधारा को जमीनी स्तर तक जो है मजबूत करेंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाला जो भी चुनौती होगी उसका डट के सामना हम लोग करेंगे। तो ये कार्यकर्ताओं से भी अच्छा फीडबैक जो है, वो सुझाव जो है वो मिले हैं, जिस पे पार्टी जो है ज़रूरत पड़ने पे उन सारे सुझाव को देखेगी और उसको अमल करेगी। MDA जो है मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसमें तो नियमावली बनती है, तो उसमें कई लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बुला करके बैठा करके नियमावली जो है हम लोग बनाएंगे। और एक अच्छा, क्योंकि पिछड़ा इलाका है, गरीब इलाका रहा है, तो उसके लिए वो सारा काम होगा। और हम लोग घूम भी रहे हैं, हर जगह फीडबैक भी ले रहे हैं पूरे बिहार में। आप लोग जान रहे हैं कि 94 लाख परिवार जो है गरीब है, असल में काम उनके लिए ही करना है जो गरीब परिवार है, उसका मेन स्ट्रीम में लाना है, उसको मुख्य धारा में लाना है। 2.75 करोड़ परिवार पूरे बिहार में है जिसमें कि 94 लाख लोग गरीब हैं, जिसको कोई नौकरी नहीं है, आय 6000 से कम है मानसिक आय, उन लोगों के लिए जो है अलग से योजना हम लोग सब लोग बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो असली लड़ाई है वो गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इससे हम लोग जो है निपटने के लिए जब समय आएगा तो हम लोग जरूर जनता के सामने अपना विजन जो है 24-25 के चुनाव के लिए उसको हम लोग रखेंगे। और हम लोग तो हमेशा रखते हैं, 20 में भी रखा था जिसमें 10 लाख नौकरी का वादा किया था, जाति आधारित गन्ना की बात की थी, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात की थी, स्वयं सहायक समूह के मानदेय को बढ़ाने की बात की थी, वो सारा काम हम लोगों ने किया केवल 17 महीने में। तो हम लोगों ने जो कहा है वो करके भी दिखाया 17 महीने में, ऐसा नहीं केवल हम लोगों ने कह दिया और नहीं किया, ठगा नहीं किसी को जैसे भाजपा ठगती है। 4 लाख नियोजित शिक्षकों कर्मियों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलाया। तो सारा अगर आप देखें तो सारा काम हम लोगों ने किया। लेकिन इस बार नए सोच के हैं हम लोग, नया बिहार बनाना है, बिहार को आगे ले जाना है, तो बिहार में सबको साथ लेके चलना होगा और सबके लिए काम करना होगा। तो तिरहुत के लिए भी हम लोग जो है स्पेशल लाएंगे। हम तो खुद प्रस्ताव दिए थे विधानसभा में, तब प्रधानमंत्री जी से हम लोग जाके मिले, मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने कई बार जो है पार्लियामेंट में मना किया कि हम नहीं कराएंगे। लेकिन देखिए ये देश के हित के लिए, जाति आधारित गंदा जब तक नहीं होगा पूरे देश में, तब तक असल बीमारी देश की जो है वो पता नहीं लग पाएगी। मोदी सरकार बैकफुट पे जाति जनगणना पर आप लोग, अब वो क्या, वो लोग तो आरक्षण विरोधी लोग तो चाहते ही नहीं, लोग पक्षधर ही नहीं है कि भाई हो। जाति आधारित गंदा कॉलम जोड़ने के दबाव से ही तो वो कम सेंसेस भी नहीं कर रही है, जो हर बार जो होता रहता है सेंसेस, 21 का ही समय था, अब बढ़ गया, सेंसेस भी नहीं करा पाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।